अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते भाई साहब। आइए आज हम एक सेंट्रल प्लांट की तरफ लेके जाते हैं। ये सेंट्रल प्लांट है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के ऑपरेटर लोग कैसे इसको ऑपरेट करते हैं और कैसे मशीन को हैंडल करते हैं। आज मैं एक ऑपरेटर से बात करके आया था कि कुछ वीडियो बनाना है, आप उसके बारे में बताएंगे कि कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे मशीन को चलाते हैं। आज एक एक आपको सारे एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। उस ऑपरेटर के पास लेके चलते, मैं कल ही यहाँ पे आया था ताकि उसको बात करके गया था कि मुझे कुछ वीडियो बनाना है। वो बोला था ठीक है, आप आ जाइएगा, आप वीडियो जो बनाना है वो बना के जो भी होगा मुझे बताइएगा। आज मैं आपको उस ऑपरेटर के पास लेके चलता हूँ और आपको वीडियो एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ कैसे मशीन को ऑपरेट करते हैं। आइए दोस्तों, मैं सेंट्रल प्लांट पहुंच गया हूं। आपको दिखाता हूं कि यहां के अभी ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, टेक्नीशियन क्या कर रहे हैं। देखिए अभी ये डीएस्केलिंग कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या कर रहे हैं। ये देखिए डीएस्केलिंग किया जा रहा है, ये कंडेंसर का डीएस्केलिंग किया जा रहा है। वन बाई वन करके होल जितने सारे इसको डीएस्केलिंग कर रहे हैं। ये चिल्लर का है, इवापोरेटर जिसको बोलते हैं, इसका भी डीएस्केलिंग होगा। ये अभी यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं आपसे यहाँ से बात करवाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ हेलो सर, आप बता सकते हैं कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं? जी सर, ये एचडी से सेंट्रल प्लांट है, तो इसका कंडेंसर का डिस्केलिंग हो रहा है, ये भी डिस्केलिंग हो रहा है। सर अभी आप छोड़ दीजिए, थोड़ा आप यहाँ थोड़ा समझा सकते हैं इसको? ये इसका सर कंडेंसर का डिस्केलिंग क्यों किया जाता है सर, आप बता सकते हैं थोड़ा? सर ये कंडेंसर का डिस्केलिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें इसका जो है स्केल आ जाती है, तो इसका अप्रोच बढ़ जाता है, घट जाती है। सर इसका चिल्लर का भी जो ये है, ये आप बता सकते हैं इसका इवापोरेटर जो है, इसका भी डीस्केलिंग क्यों करते हैं आप लोग? इसका भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी स्केल घट जाती है, तो इसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा, कूलिंग की एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाँ भाई, अभी बता रहे हैं जैसे ये कि मतलब अगर आप इवापोरेटर की अगर डीस्केलिंग करते हैं तो इसकी कूलिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और अगर आप डीस्केलिंग नहीं करते हैं तो कूलिंग की एफिशिएंसी घट जाती है। जैसे कि सर आप देख पा रहे हैं गंदगी आ जाती है, स्केल जम जाती है, जिससे देखिए कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पे डीएसकेलिंग नहीं करने से इसके अंदर में बहुत सारे गंदगी जम जाती है, जिसके वजह से जिसके कारण कि ये इसमें जो गैस होता है सेल में, गैस और पानी के बीच में वही स्केल सही से नहीं हो पाता है, इसलिए हमको डीस्केलिंग करना होता है। इसलिए आपको समझ में आ रही है कि डीस्केलिंग ये हो रहा है। आपको बताएंगे कि डीएसकेलिंग थोड़ा कैसे करते हैं, वो अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे। थोड़ा डीएसकेलिंग करके दिखाइए कैसे करते हैं डीएसकेलिंग। देखिए ये डीस्केलिंग हो रहा है, ये देखिए ब्रश है, उसके अंदर में वन बाय वन, ये देखिए ये मूविंग ब्रश है, इसके अंदर में वन बाय वन करके जाएगा और ये डीस्केलिंग करके उसके अंदर में जितनी गंदगी रहेगा वो ब्रश मूव करके उसको गंदगी को रिमूव करेगा। देखिए भाई साहब कैसे डीस्केलिंग कर रहे हैं, देखिए ये डीस्केलिंग का, ये देखिए यहाँ से ये मोटर है, ये इसका डीस्केलिंग का ये है, यहाँ से डीएसकेलिंग हो रहा है वन बाय वन करके। सर आप बता सकते हैं कहाँ से हैं आप? सर हम इंडिया से हैं, झारखंड। ये भाई साहब बता रहे हैं कि हम इंडिया से हैं, झारखंड से हैं, ये इंडिया के रहने वाले हैं, ये अभी कुवैत में काम कर रहे हैं, ये अपना इंडिया के झारखंड से हैं और ये डीएसकेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपना डीएसकेलिंग का कवर खोले हुए हैं, डीएसकेलिंग कर रहे हैं। देखिए उधर से डीएसकेलिंग कर रहे हैं और ये कितना कचरा निकल रहा है उधर से, देखिए ये इधर पूरा कचरा निकल रहा है डीएसकेलिंग करने के बाद, इधर से पूरा कचरा बाहर आ रही है। अब ये पूरा कचरा एक दो तीन बार इसको करके उसके बाद ईयरली में एक बार सर्विस किया जाता है कंडेंसर का, क्योंकि इसकी अप्रोच हाई हो जाती है। और जो इवापोरेटर की बात करें तो इवापोरेटर की गंदगी नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग टाइम होता है, कम से कम 5 साल 6 साल में एक बार करना होता है। मतलब बता रहे हैं भाई साहब कि इवापोरेटर का जो हम डीएसकेलिंग करते हैं वो कम से कम 5 साल 6 साल के बाद करते हैं, लेकिन कंडेंसर का जो डीएसकेलिंग का वो हर साल हम करते हैं। सर आप इसमें बता सकते हैं जो डीएसकेलिंग कर रहे हैं इसमें कैसे कर रहे हैं आप, क्या डालते हैं इसमें? नहीं अभी तो सिर्फ ब्रूस मार रहे हैं, उसके बाद केमिकल सर्कुलेशन करके 6-7 घंटा का केमिकल सर्कुलेट करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि अभी इसमें सिर्फ पानी मार रहे हैं, बाकी 6-7 घंटा बाद ब्रश करने के बाद इसमें केमिकल सर्कुलेशन करेंगे।
सर ये बता सकते हैं कि ये यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसमें ये क्या चीज़ है, ये बता सकते हैं ये सब जो दिया हुआ है इसमें क्या लगा होता है? सर यहाँ पे डिवाइडिंग प्लेट होती है। हाँ, जो यहाँ डिवाइडिंग प्लेट बनता है उसमें दोनों साइड गैसकेट होता है, वो क्या होता है इनलेट और आउटलेट जो वाटर इनलेट होता है उसको अलग अलग रखता है, मिलने नहीं देता है यहाँ पे। ये डिवाइडर प्लेट है, ये डिवाइडर प्लेट है, देखिए ये डिवाइडर प्लेट है, ये डिवाइडर प्लेट जो है, ये डिवाइडर प्लेट यहाँ जो ये डिवाइडर प्लेट यहाँ लगी होती है। सर थोड़ा आप यहाँ बताइए कि ये जो डिवाइडर प्लेट यहाँ लगा होता है इसका क्या काम है? सर इसका काम बस इतना ही है, इनलेट और आउटलेट वाटर को बस अलग अलग रखता है, टेम्परेचर अलग अलग रखता है। सर इसका कहने का मतलब है डिवाइडर प्लेट जो यहाँ लगा होता है इनलेट और आउटलेट का जो वाटर है वो दोनों को अलग अलग में रखता है, ये पानी मिलने नहीं देता है। सर ये देखिए, ये इनलेट का है और ये आउटलेट का है, तो ये बता रहे ये नीचे का जो हिस्सा है वो इनलेट का है और ऊपर का जो हिस्सा आउटलेट का है। यहाँ एक डिवाइडर प्लेट लगा होता है जो इनलेट और आउटलेट को दोनों को सेपरेट करती है।